अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपसे ढाबा स्टाइल माश दाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही झटपट बनने वाली है। चले बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवर में लाजवाब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चले ढाबा स्टाइल दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाही में हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। तेल हमने ऐड कर दिया है। जैसे तेल गर्म होगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ ही हम 4 से 5 अदर गोल वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे साबुत। 2 से 3 मिनट आपने लगातार ऑयल में फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। जैसे ही थोड़ा सा अच्छे सा अरोमा आना शुरू हो जाए, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटरों की प्यूरी। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 1/2 कप पानी ऐड करके ग्राइंडर में मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड करनी है। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने मसाले की भुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में लाजवाब ये दाल बनती है। अच्छे से मीडियम फ्लेम पर आपने मसाले की भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी मसाले की, उतनी ज़बरदस्त दाल में फ्लेवर आएगा। अब दाल ऐड करेंगे। अच्छे से दाल की आपने भुनाई करनी है। दाल मैंने ली है 350 ग्राम है माश की दाल। दाल को मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटा पहले भिगो दिया था। अच्छे से आपने दाल की भुनाई करनी है। दाल की अच्छे से हमने भुनाई कर ली। अब पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी आपने ऐड करना है जिसमें दाल हमारी आसानी से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाना है। देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने कवर करके पका लिया है दाल को। दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हुई है, गल चुकी हुई है। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से वॉश करके ऐड कर दिया है, ताकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह के ज़रात होते हैं वो निकल जाएँ। लम्बा कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। माश दाल को हम सर्व करेंगे अंडों के साथ। 4 अदद मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश दाल तैयार है। इसको सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, रोगनी नान के साथ। लास्ट में हम काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, जिससे फ्लेवर और भी लाजवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर विद शाहीन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।